बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स के टॉपिक का ये पार्ट टू है और इससे पहले पार्ट वन में हम ये मंदरजा ज़ैल टॉपिक्स पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। रेट लॉ को कुछ थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए कम्प्लेक्स रिएक्शन, कंपैरिजन बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देन व्हाई हाई मॉलिक्यूलरिटी इज ए रेयर फिनोमिना। केमिकल काइनेटिक्स के पार्ट वन वाले लेक्चर के आखिर में हमने ये रेट लॉ के बारे में पढ़ा था और वहाँ हमने ये पढ़ा था कि रेट लॉ जो है ये एक इम्पॉर्टेंट लॉ है केमिकल काइनेटिक्स का। और इस लेक्चर में हम पहले थोड़ी सी इसकी रिवीजन कर लेते हैं ताकि हम इसे आगे बात को बढ़ा सकें। केमिकल काइनेटिक्स में रेट लॉ जो है ये बहुत अहमियत का हामिल है और जिस तरह केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में हमने ये क्वेश्चन पढ़ी थी लॉ ऑफ मास एक्शन के तहत, जिसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कहते हैं, तो ये इंतहाई अहम इक्वेशन थी। सारी कैलकुलेशन की बुनियाद यही इक्वेशन थी। इसी तरह केमिकल काइनेटिक्स में रेट लॉ जो है ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है और केमिकल काइनेटिक्स की बुनियाद यही रेट लॉ है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ईच कंसंट्रेशन बीइंग रेज्ड टू सम पावर। यानी इस रेट लॉ के मुताबिक ये है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करता है उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर। यानी जो भी रिएक्टेंट है उसकी जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना उसका रिएक्शन रेट भी ज़्यादा होगा, रिएक्शन करने का रेट भी उतना ही ज़्यादा होगा। इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि दस फॉर ए सब्सटेंस ए अंडरगोइंग रिएक्शन द रेट इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए। और फिर हम इसकी कुछ पावर भी लिखते हैं, ईच कंसंट्रेशन बीइंग रेज टू सम पावर। अब ये पावर कितनी होगी इसका फैसला जो है वो प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन से होता है, यानी प्रैक्टिकली वो रिएक्शन करके पता चलता है कि ये एन की वैल्यू क्या होनी है। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए यहाँ इक्वल का साइन जब लगाएंगे तो यहाँ एक कॉन्स्टेंट लगाते हैं के, जिसको हम कहते हैं रेट कॉन्स्टेंट। तो रेट इज इक्वल टू के इन टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर एन। अब ये n जो है ये यानी जो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद जो कोफिशिएंट्स बनते हैं ना, ये उनके बराबर होना इसका ज़रूरी नहीं। ये केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में उस टॉपिक में ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है इसमें ये जो कंसंट्रेशन हैं इनकी ये जो पावर होती है इट इज़ इक्वल टू द दीज कोफिशिएंट्स विच आर ऑब्टेन आफ्टर बैलेंसिंग द इक्वेशन। इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद ये जो कोफिशिएंट्स आते हैं वही हम यहाँ पर लिखते हैं इस इक्वेशन में। लेकिन रेट लॉ में ऐसा नहीं, रेट लॉ में ये जो n और m है ये ज़रूरी नहीं कि ये a और b के बराबर हों। बाज़ अवक़ात बराबर हो भी जाते हैं और बाज़ अवक़ात ये मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, क्योंकि इनका इनकी मकदारों का पता चलता है जब हम प्रैक्टिकली ये रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये जो रेट लॉ इक्वेशन है ये उस वक्त होगी जब रिएक्टेंट सिर्फ एक ही है, एक रिएक्टेंट है उसका नाम ए है। अगर रिएक्टेंट ज़्यादा हैं तो फिर हम रेट लॉ को इस फॉर्म में लिखते हैं। और यहाँ पर इस रिएक्शन में दो रिएक्टेंट्स हैं तो रेट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर एन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर एम। इस अगर यहाँ पर तीन होंगे या चार होंगे तो वो भी उसी तरह आगे चलते जाएंगे। सो दिस इक्वेशन इज नोन एज रेट लॉ या रेट इक्वेशन। रेट लॉ के मुताबिक ये है कि रेट इज रेट जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू सम पावर। और जब इसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा के इक्वल लगाएंगे तो यहाँ रेट कांस्टेंट लगा देंगे। इसी तरह यहाँ पर ये लिखा हुआ है रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज टू सम पावर। अब यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स यहाँ पर दी गई हैं। ये एक रिएक्शन है N2O5 प्रोड्यूसिंग NO2 प्लस O2
अब इक्वेशन बैलेंस करने के बाद ये यहाँ पे दो और ये चार और एक है, लेकिन रेट लॉग में यहाँ पे ऊपर यहाँ पे एक ही है। रेट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एन टू फाइव रेज टू पावर वन, ये यहाँ पे दो के बराबर नहीं है। इसका ये है एच टू प्लस आई टू प्रोड्यूसिंग टू एच आई, इसका रेट ला ये है रेट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एच टू इनटू कंसंट्रेशन ऑफ आई टू। और ये रिएक्शन जो है जिसमें एन ओ टू इज प्रोड्यूसिंग एन ओ प्लस ओ टू, इसमें जो रेट है इट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एन टू स्क्वेयर, यहाँ पे जो पावर है ये इस दो के इक्वल है। इसे यहाँ पर है ये टू एन ओ प्लस टू एच टू एन टू प्लस टू एच टू ओ, तो रेट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाई कंसंट्रेशन ऑफ एन ओ रेज टू पावर टू। तो इसमें हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ पे वन है और एन ओ टू की पावर जो है ये टू है, लेकिन ये इक्वेशन में जो बैलेंस्ड इक्वेशन है उसमें एच टू के साथ दो है जबकि रेट ला में दो यहाँ पे नहीं है। इसलिए यहाँ बताया गया था कि ये जो पावर है इट मे बी इक्वल टू दीज कोफिशियंट्स आर इट मे बी डिफरेंट फ्रॉम दीज कोफिशियंट्स, क्योंकि इनकी मकदारें जो हैं ये हमें प्रैक्टिकली मालूम होती हैं। प्रैक्टिकल करने के बाद जो डाटा हासिल होता है वहाँ से हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। सो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन इन द रेट ला आर डिफरेंट फ्रॉम द कोफिशियंट्स, दीज आर डिटरमिंड फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल डेटा। अभी आपने रेट ला के बारे में पढ़ा और वहाँ हमने ये अच्छी तरीके से ये सीख लिया कि किसी भी रिएक्शन का रेट ला कैसे लिखना है। तो और वहाँ पर ये भी हमने एग्जांपल्स पढ़ी कि ये मुख्तलिफ रिएक्शंस हैं और उनके ये रेट लाज लिखे हुए हैं। तो N2O5 की जो कन्वर्जन है NO2 में और ऑक्सीजन में, इसके लिए रेट ला ये है रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 रेज टू पावर वन। इसका ये H2 और I2 का कन्वर्ट होना HI में, इसके लिए ये रेट ला है रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H2 मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन, और हाइड्रोजन की भी पावर वन है और आयोडीन की भी पावर वन है। तो इसी तरह ये दूसरी इक्वेशंस हैं और इनके ये रेट लाज अभी हमने सारे पढ़े हैं। तो यहाँ पर आपको ये बताना मकसूद है कि ये रेट ला के अंदर जो ये रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशंस हैं और इनकी जो पावर्स हैं इनको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। यानी यहाँ पर इसकी पावर वन है तो यही इसका ऑर्डर है, यानी N2O5 का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो वन है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ये किसी भी रिएक्टेंट की वो पावर है जो उसके रेट लॉ में उसके ऊपर लिखी होती है। नहीं, ये कोई रिएक्शन है और उस रिएक्शन का ये रेट लॉ है, तो रिएक्टेंट्स की यानी रेट लॉ में रिएक्टेंट्स की जो हम पावर्स लिखते हैं उन पावर्स को उन रिएक्टेंट्स का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो एम इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट ए, एंड ये जो एन है एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट बी। और इस रेट लॉ के अंदर इन पावर्स को जमा कर लें तो ये उस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर है ये। सो एम प्लस एन इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, ये वाला जो रिएक्शन आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है कि ए प्लस बी प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट्स, तो इसमें ओवरऑल जो ऑर्डर है इस रिएक्शन का ये इसके बराबर है। यानी रेट लॉ के अंदर ये देखें इनकी पावर्स कितनी हैं और उन पावर्स को जमा कर लें तो इट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन ये बनी कि इट इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशंस इन द रेट लॉ। तो इसी तरह इस रिएक्शन में देखें एच टू प्लस आई टू प्रोड्यूसिंग टू एच आई, इसका रेट लॉ ये है। तो इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन वन है क्योंकि इसकी पावर यहाँ पे वन है। इसी तरह ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू आयोडीन भी वन है
क्योंकि आयोडीन के लिए भी यहाँ पर पावर 1 है, और जो ओवरऑल ऑर्डर है वो 2 है, क्योंकि ये 1 प्लस 1 के बराबर होगा, क्योंकि 1 यहाँ पर है और 1 इधर है, तो इसका ओवरऑल सम बन गया 2। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो 2 है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल रिएक्टेंट्स, हाइड्रोजन के लिए ये ऑर्डर 1 है और आयोडीन के लिए भी ये ऑर्डर 1 है। इसी तरह ये NO2 के लिए है, NO2 इज प्रोड्यूसिंग NO प्लस ऑक्सीजन, इसका रेट ला ये है और इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो 2 के बराबर है, क्योंकि यहाँ NO2 की पावर 2 है और ये एक यहाँ पर रिएक्टेंट है, इसलिए ओवरऑल ऑर्डर भी यही है और इंडिविजुअल रिएक्टेंट का ऑर्डर भी यही है जो कि 2 के बराबर है। और इस रिएक्शन में आप देखें तो यहाँ पर इस रिएक्शन का रेट ला ये है, जिसमें हाइड्रोजन की पावर 1 है और NO की पावर 2 है, इसलिए ओवरऑल ऑर्डर जो है वो 2 प्लस 1 3 के बराबर है, और इंडिविजुअल जो ऑर्डर्स हैं वो हाइड्रोजन के लिए 1 है और NO के लिए 2 है। और इस रिएक्शन में अगर आप देखें तो इसका रेट ला ये है, जिसमें CHCl3 की पावर 1 है और क्लोरीन की पावर जो है वो 0.5 है, तो ओवरऑल इसका ऑर्डर बन गया 1 प्लस 0.5 इक्वल टू 1.5, और इंडिविजुअल जो ऑर्डर हैं वो CHCl3 के लिए 1 है और क्लोरीन के लिए 0.5 है। तो इस तरह किसी भी रिएक्टेंट के लिए और किसी भी रिएक्शन के लिए आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं उसके रेट ला से। मालिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की मालिकुलरिटी समझने से पहले ये ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है और कम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शंस में भी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, एलिमेंट्री रिएक्शंस और कम्प्लेक्स रिएक्शंस। तो एलिमेंट्री रिएक्शन ऐसे होते हैं जो एक स्टेप पे मुकम्मल होते हैं, ये सिंपल रिएक्शंस हैं एंड दे अकर इन ए सिंगल स्टेप, जिस तरह हमने इसकी इक्वेशन लिखी होती है ये उसी तरीके से हो रहे होते हैं और वो एक ही स्टेप में मुकम्मल हो जाते हैं। जिस तरह ये एक रिएक्शन है, इसमें एक रिएक्टेंट है गोइंग टू प्रोडक्ट्स, और इस रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसकी ये मिसाल है कि ब्रोमीन का मॉलिक्यूल जो है ये ब्रोमीन एटमों में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पर ये 2 मुख्तलिफ मालिक्यूल हैं, इथाइल एसीटेट और वाटर, दे आर प्रोड्यूसिंग एस्टिक एसिड एंड एथेनॉल। इट इज़ द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ऑफ एन एस्टर, जिसमें कोई भी एस्टर जो है वो ब्रेक होकर अपने एसिड और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये एक ही स्टेप में मुकम्मल होता है, लेकिन बाद ऐसे रिएक्शन हैं जो एक स्टेप में मुकम्मल नहीं होते बल्कि उनके काफ़ी सारे उनमें स्टेप्स होते हैं। जिस तरह हमने पीछे भी ये पढ़ा है कि ओजोन की जो लेयर है वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है विद द रिएक्शन ऑफ हैलोजन्स, ये जो बायोमास है इसको हम जलाते हैं जब कूड़ा क्रिकेट को और लकड़ियों को और ये कोयले वगैरह को और इसके अलावा उन चीज़ों को जिनमें हैलोजन्स होती हैं उनको जब जलाया जाता है, तो उनसे फिर ये हैलोजन्स निकलती हैं और ये ऊपर फ़िज़ा में पहुँच कर ओजोन की लेयर के साथ इस तरह की रिएक्शन करती हैं, जिससे फिर ये जो ओजोन है ये ऐसा ऐसा ऑक्सीजन में कन्वर्ट होती रहती है। तो ओवरऑल रिएक्शन तो उसका ये है, लेकिन इसमें जो मुख्तलिफ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो ये हैं जो हमने पहले भी पढ़े हैं कि ब्रोमीन विल रिएक्ट विद ओजोन टू प्रोड्यूस ब्रोमीन ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, एंड द क्लोरीन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर विल आल्सो रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस क्लोरीन ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, एंड देन दीज टू ऑक्साइड्स ब्रोमीन ऑक्साइड एंड क्लोरीन ऑक्साइड विल रिएक्ट विद ईच अदर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट टू प्रोड्यूस ब्रोमीन एटम एंड क्लोरीन एटम एंड ऑक्सीजन, दीज हैलोजन्स विल अगेन विल बी अवेलेबल फॉर द फर्दर रिएक्शन, एंड इन दिस वे ओवरऑल रिएक्शन इज द कन्वर्जन ऑफ ओजोन इंटू ऑक्सीजन। तो ओवरऑल रिएक्शन ये है जिसमें ये 3 स्टेप्स हैं, तो इसमें हर एक ये स्टेप जो है ये एलिमेंट्री स्टेप है, लेकिन ये वाला जो रिएक्शन है ये एक कम्प्लेक्स रिएक्शन है। मालिकुलरिटी ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन, तो किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन की मालिकुलरिटी से मुराद ये है, इट इज़ द नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स यानी मालिक्यूल्स, एटम्स या आयंस विच कोलाइड टू फॉर्म द एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स
इन एन एलिमेंट्री प्रोसेस, यानी किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल या एटम या आयन पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उनकी तादाद को हम मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। यानी मॉलिक्यूलरिटी ये है कि किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल एटम या आयन पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपस में वो कोलाइड कर रहे हैं ताकि एक एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बने, तो उन मॉलिक्यूलों एटमों या आयन्स की तादाद को मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। यानी अगर एलिमेंट्री रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 होगी, अगर रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं तो उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी। यानी वो मॉलिक्यूल की तादाद का नाम है या एटमों की तादाद का नाम है या आयंस की तादाद का नाम है जो किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो वो मॉलिक्यूल जब टकराएंगे तो उनके टकराने से एक ऐसी इंटरमीडिएट स्पीशीज बनेगी जिसको हम एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स कहते हैं, और फिर ये एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स जो है ये फिर आगे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन फिर ये है कि ये उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूलों या रिएक्टेंट एटमों या आयंस की तादाद है जो किसी एलिमेंट्री प्रोसेस में हिस्सा ले रहे होते हैं ताकि वो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनाएं और फिर वो आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हों। तो अगर एक मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है तो उसे हम यूनि मॉलिक्यूलर कहेंगे, अगर उस एलिमेंट्री प्रोसेस में दो मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं तो उसको हम बाई मॉलिक्यूलर कहेंगे, और इस तरह अगर उसी में उस प्रोसेस में तीन मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं तो उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी को हम कहेंगे उसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 है। तो ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं, यूनि मॉलिक्यूलर या मोनो मॉलिक्यूलर रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 1 होती है और ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। अब इस रिएक्शन में ब्रोमीन मॉलिक्यूल इज बीइंग कन्वर्टेड टू ब्रोमीन एटम्स, तो इसमें चूंकि एक मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है ब्रोमीन का तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 हो गई। अब इस रिएक्शन में जो मैलिक एसिड है जिसमें दो कार्बोक्सिल ग्रुप्स जो हैं ये अटैच्ड हैं विद दिस ईथीन, तो इसको हम मैलिक एसिड कहते हैं जिसमें ये दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप एक ही साइड पर लगे होते हैं, और अगर ये कार्बोक्सिल ग्रुप मुखालिफ सिमत में लगे हों इस ईथीन के साथ तो इसको फ्यूमैरिक एसिड कहते हैं। तो इस रिएक्शन में मैलिक एसिड इज बीइंग कन्वर्टेड टू फ्यूमैरिक एसिड, तो इसमें चूंकि एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसलिए इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 1 है। इसी तरह यहाँ पर ये एक एलिमेंट्री स्टेप है जिसमें दो एक जैसे एटम मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं या एक जैसे मॉलिक्यूल मिलकर ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी क्योंकि इसमें दो मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, जिसका ये मिसाल है इसकी 2HI, यानी दो मॉलिक्यूल हैं HI के, दे आर कन्वर्टिंग टू हाइड्रोजन एंड आयोडीन, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी। और इस रिएक्शन में इस तरीके से है कि दो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल ए और बी आपस में हिस्सा लेकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसकी ये मिसाल है जिसमें इथाइल एस्टेट और वाटर मिलकर एस्टिक एसिड और एथेनॉल बनाते हैं, और ये हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर की मिसाल है, तो इसमें भी दो मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं तो लिहाजा इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी। इस तरह ये एक रिएक्शन है जिसमें तीन मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 3 हो जाएगी। इसमें देखें कि ये दो मॉलिक्यूल NO के और एक मॉलिक्यूल O2 का हिस्सा ले रहे हैं, कुल मॉलिक्यूल 3 हो गए, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी 3 है। जनरली हम इसको यूं लिख सकते हैं कि ये तीन मॉलिक्यूल हैं ए बी सी, तीनों मुख्तलिफ हैं तब भी मॉलिक्यूलरिटी 3 होगी, अगर दो एक जैसे हों और एक मुख्तलिफ हो तो तब भी मॉलिक्यूलरिटी 3 ही होगी क्योंकि तीन मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, या तीनों मॉलिक्यूल भी एक जैसे ही हो सकते हैं तब भी मॉलिक्यूलरिटी 3 होगी। अब इसमें दो मॉलिक्यूल NO के हैं और एक मॉलिक्यूल क्लोरीन का है जिससे NOCl बन रहा है, तो इसमें भी टोटल चूंकि तीन मॉलिक्यूल हैं इसलिए इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 3 है। तो अगर किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 1 है यानी वो यूनि मॉलिक्यूलर है तो उसका ये मतलब है कि उस रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल जो है वो हिस्सा ले रहा है और वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। और अगर कोई रिएक्शन ऐसा है जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, इसका मतलब ये होगा कि उस रिएक्शन के दौरान दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं और उसके बाद फिर इनसे एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनता है और उसके बाद उससे आगे प्रोडक्ट्स बनती हैं। और अगर किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 3 है
इसका मतलब ये होता है कि उसके रिएक्शन के दौरान तीन मॉलिक्यूल जब इस तरीके से आपस में टकराएंगे और उससे फिर आगे एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनेगा और उससे फिर प्रोडक्ट बनेंगे। अगर टर मॉलिक्यूल रिएक्शन में अगर दो मॉलिक्यूल टकराते हैं और तीसरा नहीं टकराता तो रिएक्शन नहीं होगा। तो तीनों को एक ही वक्त पर इस प्रॉपर ओरिएंटेशन में आपस में कोलाइड करना पड़ेगा और उससे फिर एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बन सकेगा और प्रोडक्ट बन सकेंगे। पीछे हमने जो पढ़ा है ये पढ़ा है कि किसी एलिमेंट्री रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कैसे मालूम करते हैं। अब यहाँ हम ये सीखेंगे कि किसी कम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कैसे मालूम की जाती है। तो मोस्ट केमिकल रिएक्शंस आर कम्प्लेक्स रिएक्शंस एंड अकर इन ए सीरीज ऑफ स्टेप्स। द स्टेप वाइज सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस दैट कन्वर्ट रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एज मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। द स्लोएस्ट स्टेप इज कॉल्ड द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। यानी किसी आमतौर पर जो रिएक्शन हो रहे होते हैं वो यानी सिंपल जिस तरह हम ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं उस तरह नहीं हो रहे होते, बल्कि वो कम्प्लेक्स रिएक्शन है और उनमें मुख्तलिफ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और हर स्टेप जो है वो एक एलिमेंट्री रिएक्शन होता है। और इस तरह जो एक स्टेप वाइज सीरीज जो बनती है रिएक्शंस की उसको हम उस रिएक्शन का मैकेनिज्म कहते हैं। जैसा यहाँ पे एग्जांपल है N2O5 इज डीकम्पोजिंग टू NO2 प्लस O2। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है और इसके तीन मुख्तलिफ स्टेप्स हैं ये, और हर स्टेप जो है वो एक एलिमेंट्री रिएक्शन है और इन तीन स्टेप्स के सीक्वेंस को हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कहेंगे। यानी इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है कि किस तरीके से N2O5 जो है वो इन प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है, तो ये उसका मैकेनिज्म है। अब इन ये तीन जो स्टेप्स हैं इनमें सारे स्टेप्स जो हैं उनका उनकी स्पीड आपस में बराबर नहीं होती, बल्कि वो कुछ रिएक्शन उसमें तेज हैं, कुछ रिएक्शन उसमें दरमियाने हैं, कुछ उसमें स्लो हैं। तो इन तीनों में से जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है उसको हम कहते हैं इट इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप फॉर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन, क्योंकि उस रिएक्शन इस ओवरऑल रिएक्शन की स्पीड का टोटल इनसार इस स्टेप के ऊपर होता है। जितना ये स्टेप देर लगाएगा उतनी ही देर इसकी लगेगी इस ओवरऑल रिएक्शन की, क्योंकि जब तक ये मुकम्मल नहीं होता तो तब तक ओवरऑल रिएक्शन भी पूरा नहीं होगा। इसलिए ओवरऑल रिएक्शन की स्पीड का इनसार इस स्लोएस्ट स्टेप के ऊपर है कि ये कितनी देर लगाता है। तो इस हर रिएक्शन की अपनी अपनी मॉलिक्यूलरिटी है कि उसमें कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे इसका जो रेट ला होगा उसमें ये दो मॉलिक्यूल, इसमें दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी दो होगी। इस स्टेप में भी दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसकी भी मॉलिक्यूलरिटी दो होगी, और इसमें भी दो मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी भी दो होगी। लेकिन कम्प्लेक्स रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो हम ओवरऑल यही देखते हैं कि उसके रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में कितने मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन की स्पीड के अनुसार भी इसी स्टेप के ऊपर होता है जो स्लोएस्ट स्टेप है, जिसको हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहते हैं। इसलिए कम्प्लेक्स रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है वो हम उसका फैसला करने के लिए भी यही देख लेते हैं कि स्लोएस्ट स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है। अब इस ओवरऑल रिएक्शन की का जो स्लोएस्ट स्टेप है वो ये है, यानी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप ये है और इसकी मॉलिक्यूलरिटी दो है, लिहाजा इसकी भी मॉलिक्यूलरिटी जो है वो दो ही कहलाएगी। मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कंपैरिजन किया गया है, कुछ चीज़ें कुछ पॉइंट्स कॉमन हैं और कुछ इनमें डिफरेंसेस हैं वो यहाँ पर वजाहत से बयान किए गए हैं। ये साइड जो है ये मॉलिक्यूलरिटी के लिए है और ये साइड जो है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए है। तो मॉलिक्यूलरिटी जो है वो या यूनि मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा या बाई मॉलिक्यूलर होगा या टर मॉलिक्यूलर होगा, तीन तक मॉलिक्यूलरिटी होती है, इससे आगे एक्सीड नहीं होती। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी तीन तक ही होता है और तीन से ज़्यादा नहीं होता। मॉलिक्यूलरिटी डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ ए रिएक्शन, करके रिएक्शन की कंडीशंस क्या हैं। इसी तरीके से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आल्सो डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस ऑफ ए रिएक्शन। तो ये तो कॉमन पॉइंट्स हैं और डिफरेंसेस ये हैं कि मॉलिक्यूलरिटी इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन ए सिंगल स्टेप रिएक्शन, यानी एलिमेंट्री रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल आपस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनाने के लिए या प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में
ये है कि इट इज अ सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशंस इन द रेट लॉ, यानी रेट लॉ पहले हम लिखते हैं, रेट लॉ के ऊपर कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर्स होती हैं वो उनको हम जमा करेंगे तो किसी रिएक्शन का ऑर्डर हमें हासिल होता है। जबकि मॉलिक्यूलरिटी जो है ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो किसी एलिमेंट्री स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि इट इज ऑलवेज ए होल नंबर, मॉलिक्यूलरिटी जो है ये या वन होगी या टू होगी या थ्री होगी, ये फ्रैक्शन में नहीं होगी, यानी 1.2 या 1.3 इस तरह की बात नहीं होगी, या एक मालिक्यूल हिस्सा ले रहे होगा या दो मालिक्यूल हिस्सा ले रहे होंगे या तीन मालिक्यूल हिस्सा ले रहे होंगे, डेढ़ मालिक्यूल या पौने दो मालिक्यूलों का सवर नहीं है। जबकि ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन में हमने जिस तरह पीछे देखा था कि पॉइंट्स में भी ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन आ जाता है, तो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन जो है ये होल नंबर भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, या इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में भी हो सकती है। जबकि मॉलिक्यूलरिटी जो है ये जीरो नहीं हो सकती, यानी ऐसे नहीं हो सकता है कि कोई मॉलिक्यूल जो है, कोई रिएक्शन जो है वो बगैर मॉलिक्यूल के ही वो प्रोडक्ट बन जाए, तो कोई ना कोई तो एक मॉलिक्यूल हिस्सा लेगा तो तभी प्रोडक्ट बनेगी ना। इसलिए मॉलिक्यूलरिटी जो है वो वन से शुरू होती है, फिर टू होती है, फिर थ्री होती है, लेकिन ऑर्डर जो है वो जीरो भी हो सकता है, होल नंबर में भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ऑर्डर ऑफ जीरो, किसी रिएक्शन का ऑर्डर अगर जीरो है तो उसका मतलब हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे जाके इसका मतलब क्या होता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि उसका मतलब ये होता है कि रिएक्शन के रेट का इनसार कंसंट्रेशन की, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर नहीं होता, बल्कि वो रेट का इनसार जो है वो रेट कॉन्स्टेंट पर होता है। यानी अगर हम उस ऐसे रिएक्शन जिसका ऑर्डर जीरो हो उसकी उसमें रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को जब बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन में कोई फर्क नहीं होता। पर ये हम आगे पढ़ेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये होल नंबर में भी पॉसिबल है, जीरो भी इसकी वैल्यू हो सकती है, या ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ये 1.1, 1.2, 1.5 कोई भी इसकी वैल्यू जो है पॉसिबल है। मॉलिक्यूलरिटी की का एक डिफरेंस ये है कि डज नॉट गिव एन आइडिया अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन, इट हेल्प्स इन डिटरमिनिंग द मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी इज ऑब्टेन फ्रॉम बैलेंस्ड इक्वेशन, यानी एलिमेंट्री स्टेप की इक्वेशन हम लिखते हैं, उसको बैलेंस करते हैं, फिर उसमें देखते हैं कि कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनकी तादाद को हम मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से नहीं हासिल होता, बल्कि एक्सपेरिमेंटली हम ये वैल्यू मालूम करते हैं और रेट लॉ लिखते हुए ये देखते हैं कि वो जो पावर्स हैं एम और एन वो कितनी बनी हैं, तो उसके मुताबिक फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हासिल होता है। इट पर्टेन्स टू वन स्टेप रिएक्शन, यानी एलिमेंट्री रिएक्शन के मुतल होती है मॉलिक्यूलरिटी, विच इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स फॉर इट्स कम्प्लीशन। यानी अगर कोई कम्प्लेक्स रिएक्शन है और उसमें बेशुमार सेवरल स्टेप्स पर वो रिएक्शन मुश्तमिल है, तो उसमें फिर हर स्टेप की अलग अलग मॉलिक्यूलरिटी होगी और हर जो स्टेप है उसको एलिमेंट्री स्टेप होना चाहिए, और ओवरऑल जो मॉलिक्यूलरिटी है वो उसकी डिपेंड करेगी कि उसके रेट डिटरमिनिंग स्टेप में कितने मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, उसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है। इट परटेन्स टू रिएक्शन एज ए होल इरिस्पेक्टिव ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेप्स इन्वॉल्व फॉर इट्स कम्प्लीशन, यानी किसी कम्प्लेक्स रिएक्शन में यानी जो रेट लॉ है वो हम उसके स्टेप्स पर इनसार नहीं है उसका, यानी रेट लॉ जो है वो ओवरऑल रिएक्शन पर ही होता है और उसमें कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उसका उससे कोई तल्लुक नहीं होता, इसलिए ओवरऑल रिएक्शन का रेट लॉ लिखते वक्त उसमें जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी पावर्स वो देख लेना है, बस उसके ऊपर पावर्स कितनी हैं और उनके मजमूए का जो टोटल है वो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बन जाता है। तो मॉलिक्यूलरिटी इज इनवेरिएंट फॉर ए रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी जो है वो किसी रिएक्शन की वन होगी या टू होगी या थ्री होगी, लेकिन जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये इट कैन चेंज विद कंडीशंस सच एज प्रेशर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन वगैरह। जिस तरह पीछे अभी हमने पढ़ा कि मॉलिक्यूलरिटी के लिहाज से रिएक्शन जो हैं वो तीन तरह के हैं, यूनि मॉलिक्यूलर, बाई मॉलिक्यूलर और टर मॉलिक्यूलर, तो इससे हायर मॉलिक्यूलरिटी जो है वो बहुत रेयर है और कॉमन नहीं है। उसकी वजह यहाँ अभी हमने पढ़नी है कि
क्या वजह है कि मॉलिक्यूलरिटी तीन से ज्यादा रेयर क्यों है? जिस तरह ये आप देख रहे हैं, यहाँ मॉलिक्यूलरिटी का मतलब यह है कि कितने मॉलिक्यूल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और वो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनाकर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये एक सिस्टम यहाँ पे शो किया गया है जिसमें एक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन शो किया गया है। दो मॉलिक्यूल जो है वो आ रहे हैं एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में, एक इस सिग्नल से आ रहा है और दूसरा इस सिग्नल से आ रहा है, और ये आपस में कोलाइड करेंगे और फिर ये एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनाकर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये सिचुएशन जो है ये मोस्ट कॉमन है और आमतौर पर इसी तरह ही होता है कि दो मॉलिक्यूल जो है वो प्रॉपर सीमत में आते हैं और कोलाइड करते हैं जिससे फिर एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनता है। और उसके बाद ये है टर मॉलिक्यूलर वाली सिचुएशन जिसमें तीन मॉलिक्यूल आपस में एक ही वक्त में कोलाइड करेंगे और उनकी ओरिएंटेशन भी प्रॉपर इसी सीमत में होगी कि वो ऐसी सीमत में होगी जिससे एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बन सकेगा। तो इस तरह तीन मॉलिक्यूलों का प्रॉपर ओरिएंटेशन में होकर कोलाइड करना ये खासा मुश्किल काम है। इसकी वजाहत आप इस एक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन से आप ले लें जिस तरह ये नीचे मिसाल से जाहिर किया गया है। ये एक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है जिसमें एच आई के दो मॉलिक्यूल मिलते हैं और वो हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट होते हैं। इसमें आप ये देख रहे हैं कि एच आई का एक मॉलिक्यूल है ये और ये एच आई का दूसरा मॉलिक्यूल है। तो इनकी आपस में न्यूक्लियन जो है वो उसी सूरत में फ्रूटफुल होगी जब वो इस ओरिएंटेशन में आपस में कोलाइड करेंगे, यानी ये एच जो है ये एच के सामने हो और आई जो है ये आई के सामने हो और इस तरह ये कोलाइड करें तो फिर ये एच और एच का नया बांड बनना शुरू हो जाएगा और आई का भी नया बांड बनना शुरू हो जाएगा और ये पुराना बांड जो एच आई का है ये ब्रेक होना शुरू हो जाएगा और एक ऐसा एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बनेगा जिसमें यहाँ पर एच और एच के दरमियान आई और आई के दरमियान नए बांड बन रहे होंगे, एच आई और इस एच आई के दरमियान जो पुराने बांड हैं वो टूट रहे होंगे। तो ये एक इंटरमीडिएट सिचुएशन बनती है जिसमें अभी प्रॉपर सारे बांड ना तो टूटे होते हैं ना बने होते हैं, तो इसे हम कहते हैं एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। ये उसी सूरत मुमकिन है जब ये प्रॉपर ओरिएंटेशन में मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे सब। और अगर यही मॉलिक्यूल एच आई के इस फॉर्म में कोलाइड करें कि एच एक सिमत में है और आई जो है ये यहाँ पर है और दूसरा मॉलिक्यूल जो है ये इसकी ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है, यानी एच के सामने आई है और इस एच के सामने दूसरे मॉलिक्यूल का आई है, तो इस तरीके से अगर ये कोलाइड करेंगे तो ये एच टू नहीं बना सकेंगे क्योंकि एच इधर है इस मॉलिक्यूल की और इस मॉलिक्यूल की एच जो है ये दूसरी सीमत में है, इस तरह ये क्लियन जो है ये फ्रूटफुल नहीं होगी। और इसी तरीके से अगर ये मॉलिक्यूल इस तरह टकराएंगे, ये एच आई इधर से आ रहा है मॉलिक्यूल, ये एच आई इधर से आ रहा है और दोनों एच एच आपस में सामने आमने सामने है, तो इनसे भी जो क्लियन होगी वो फ्रूटफुल नहीं होगी और मॉलिक्यूल नहीं बन सकेगा, प्रोडक्ट नहीं बन सकेगी। और इसी तरीके से ये वाली जो सिचुएशन है, ये वाली जो पॉसिबिलिटी है जिसमें दोनों आई जो हैं ये आपस में आमने सामने हैं और कोलाइड कर रहे हैं मॉलिक्यूल दोनों इस तरीके से कि आयोडीन के एटम जो हैं वो आमने सामने हैं और हाइड्रोजन के जो हैं वो अपोजिट साइडों में, तो इस तरीके से भी क्लियन तो होगी लेकिन ये फ्रूटफुल क्लियन नहीं होगी और प्रोडक्ट नहीं बनेगी। तो ये जो प्रोडक्ट है एच टू और आई टू ये उसी सूरत ही मुमकिन है जब ये एच आई के मालिक्यूल इस प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड करें। तो इस तरह आप देख रहे हैं यहाँ बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन में भी एक खास ओरिएंटेशन में कुलीन होगी तो फिर ही प्रोडक्ट बन सकती है। तो इस तरह अगर ये टर मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो और उसमें तीन मॉलिक्यूलों ने आपस में प्रॉपर ओरिएंटेशन से और प्रॉपर सीमत से कोलाइड करना हो तीनों ने ब्याक वक्त, तो ये खासा मुश्किल है, इसलिए ये लेस कॉमन है। और अगर कोई ऐसा रिएक्शन हो जिसमें चार मॉलिक्यूलों ने हिस्सा लेना हो और चार मॉलिक्यूल एक ही वक्त में किसी प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कोलाइड करें ये बहुत नामुमकिन वाली बात होती है और बहुत रेयर है, इसलिए जो हाई मॉलिक्यूलरिटी है वो खासी मुश्किल है और रेयर है। मोस्ट कॉमन जो है वो बाई मॉलिक्यूलर है और यूनि मॉलिक्यूलर भी बहुत सारे रिएक्शन हैं लेकिन ज़्यादा कॉमन जो है वो बाई मॉलिक्यूलर है और टर मॉलिक्यूलर भी बाद रिएक्शन है लेकिन ये उतने कॉमन नहीं जितने बाई मॉलिक्यूलर है, इसलिए ये जो टेट्रा मॉलिक्यूलर वाली
सिचुएशन है, ये बहुत रेयर है और आमतौर पे कोई एग्जाम्पल इसकी खास नहीं मिलती है। जिस तरह यहाँ आपने एच आई के केस में देख लिया, ये बाई मॉलिक्यूलर है, लेकिन इसमें भी जो क्लीन्स हैं उनमें चंद क्लीन्स ही हैं वही फ्रूटफुल हैं जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती हैं, और बाकी इस तरह की जो क्लीन्स हैं वो फ्रूटफुल नहीं होती, और इनको प्रॉपर ओरिएंटेशन में इस फॉर्म में मॉलिक्यूलों को क्लाइड करना पड़ता है। केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट टू यहाँ पर मुकम्मल हुआ और उम्मीद है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। कोई सवाल आपके जहन में है या कोई आप कमेंट्स देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और अपने सवालात भी ज़रूर लिखा करें ताकि उनके जवाब दिए जाएं और आप अच्छी तरह टॉपिक को समझ सकें। केमिकल काइनेटिक्स के टॉपिक को पूरा समझने के लिए इसके बाद मज़ीद जो पार्ट आ रहे हैं उनको भी समझें, और उससे पहले जो पार्ट वन है उसको भी अच्छी तरह समझें, और बाकी जो पार्ट्स हैं उनके लिंक्स यहाँ नीचे दिए गए हैं और उनको खोल कर उनको अच्छी तरह देखें और समझें, और इसके अलावा अपने मज़ीद क्लास फेलोज़ के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं।